नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होते ही लोगों की जबान पर एक नाम तो रहता ही है, IPL। IPL के चौथे सीजन 14वें सीजन की शुरुआत आज हो जाएगी, लेकिन इस बार IPL में बायो बबल नाम की एक बला है जिसके चलते खिलाड़ियों का सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और खिलाड़ी IPL से अपना नाम वापस लेने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्या है बायो बबल जिसके पीछे सभी खिलाड़ी सवाल उठा रहे हैं? टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली भी बायो बबल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को कई महीनों से बबल में रहना पड़ रहा है। लेकिन अब खिलाड़ियों के लिए ये बायो बबल नई मुसीबत बन चुका है। दरअसल कोरोना संक्रमण से खिलाड़ियों को बचाने के लिए BCCI ने सख्त बायो बबल तैयार किया है और इसके नियम बहुत ज़्यादा कड़े हैं जिनका लंबे समय तक पालन करना खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। IPL 2021 से पहले भी कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया है। इसमें से चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी है जिन्होंने बायो बबल की वजह से इस बार IPL में खेलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि बायो बबल में खेलने से अच्छा है कि मैं अपने घर पर आराम करूं। दरअसल जैव सुरक्षित माहौल में लगातार समय बिताकर वो थक गए थे और बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से उन्होंने तय किया कि वो IPL खेलने भारत तो नहीं जाएंगे। जोश हेजलवुड ने स्पोर्ट स्टार से इस बारे में बातचीत करते हुए कहा था कि कोविड की चिंता टूर्नामेंट में ना खेलने की सबसे बड़ी वजह थी, मुख्य वजह थी। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि बबल कितना टाइट है। कुछ दूसरों से थोड़े हल्के होते हैं और क्वारंटीन भी सबसे अलग चीज़ है। सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई और बड़ा मुद्दा नहीं खेलने का नहीं था। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली भी बायो बबल पर सवाल उठा रहे हैं। कोहली ने कहा है कि अधिकारियों को इस पर यानी बायो बबल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बायो बबल में खेलना बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को तीसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के बाद यही कहा था कि भविष्य में इन कार्यक्रमों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भी कहा है कि लगातार जैविक रूप से सुरक्षित माहौल का हिस्सा बने रहना बुरे सपने की तरह हो सकता है और क्रिकेटर्स अभी बेहद मुश्किल जीवन शैली जी रहे हैं जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि वो अपना काम जारी रख सकें। इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर डाले गए इंटरव्यू में मैक्सवेल ने कहा है कि आपको अपने जैविक रूप से सुरक्षित माहौल के बाहर से आए लोगों के साथ रखा जाता है और आप इस पर कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में फंस जाते हैं जहां आप रोज़ाना एक ही तरह का जीवन जीते हैं। आप लगभग ये सब कुछ भूल जाते हैं कि बाहरी दुनिया के साथ सामान्य बातें कैसे की जाती हैं। ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन दोबारा खेलना भी शानदार है और अपना काम करना और लोगों का मनोरंजन करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये जीवन शैली काफ़ी कड़ी होती है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर जिस बायो बबल को लेकर इतना संग्राम मचा हुआ वो है क्या। बायो बबल या जैविक सुरक्षित वातावरण कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में बायो बबल और भी ज़रूरी किया गया है। बायो बबल बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड होता है और इसमें अधिकृत खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ या फिर मैच अधिकारी ही एंट्री कर सकते हैं, वो भी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद। लेकिन इससे खिलाड़ियों को अतिरिक्त मानसिक दबाव भी झेलना पड़ता है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान बायो बबल में रहने वाले खिलाड़ियों को उन्हें अपने परिवार, संबंधियों, मित्रों इन सब से मिलने की इजाज़त नहीं होती है। बायो बबल से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखिए, आज से IPL शुरू हो चुका है और ये 30 मई तक चलेगा। ऐसे में इसके यानी कि बायो बबल का पालन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि अब हिंदुस्तान में कोरोना की नई लहर का प्रकोप है और BCCI ने इस
पूरे मामले में सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की सीरीज हुई थी और उसके कुछ दिनों के बाद यूएई में आईपीएल का भी आयोजन हुआ था और अब धीरे धीरे सभी खेल बायो बबल में तब्दील हो रहे हैं। बायो बबल के संरक्षण में क्रिकेट मैचों का आयोजन होने से खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। बायो बबल में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि खिलाड़ी इस बबल को तोड़ नहीं सकता। ऐसे में बायो सिक्योर बबल पर काफ़ी सारे क्रिकेटर लगातार सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठा भी चुके हैं। अब देखना होगा कि बायो बबल को लेकर उठाए जा रहे सवाल को संतोषजनक जवाब कब मिलता है। आप देखते रहिए लोकल लोकल न्यूज़। शुक्रिया।